हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो हरियाणा विधानसभा में सदन के नेता भी हैं, इन्होंने सर्वसम्मति से विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई दी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए हर राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को सदन में बोलने का अवसर देना चाहिए और सदस्यों को अपने क्षेत्रों की मांगों के अलावा राज्य के हितों तथा विधायी कार्यों में भी रुचि लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने विपक्ष में बैठे नेताओं को भी नसीहत दे डाली कि वे भी सदन में किसी भी मुद्दे को लेकर हंगामा करने के बजाय मुद्दों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए इस पर ध्यान दें। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14वीं विधानसभा, इसका आज पहला सत्र विधानसभा का, और उसमें आपको सदन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में पीठासीन करवाया है। चुनाव हुआ आपका, इस अवसर पर मैं आपको अपनी ओर से, सदन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आपका इस बात के लिए स्वागत भी करता हूँ कि आपने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया है। आप विधानसभा इस नाते से लगातार दूसरी बार चुन करके आए हैं। आपका अनुभव, इससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के नाते भी एक पूरा कार्यकाल का रहा है, और मैं समझता हूँ कि आपकी सूझबूझ से, जैसे पहले भी आप चाहे मेयर रहे हों चाहे पिछले विधानसभा सत्र में, आपका जो एक कोऑपरेटिव स्वभाव रहा है, सबको साथ लेके चलने का स्वभाव रहा है अपनी टीम के रूप में, मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार इस दायित्व को भी पूरी विधानसभा के सभी सदस्यों की इस टीम को एक प्रकार से पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर उठ करके साथ लेकर के चलेंगे। ये बात तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नाते से सदन में एक सदस्य की कमी हमको महसूस होगी, लेकिन आप जिस प्रकार का दायित्व निर्वहन करेंगे, हमें निश्चित रूप से संतोष होगा कि आपने सब सदस्यों को साथ लेकर चलने में पार्टी की एक सदस्य की कमी को खलने नहीं दिया है। इसी प्रकार जैसे पिछले वर्ष में लगातार, पिछले 5 साल के जो सत्र में लगातार सदन बहुत ही अच्छे प्रकार से चला, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत एक संजीदगी से सबको साथ लेकर के पूरा समय सब सदस्यों को लेकर के सदन चलाया था, और उसी क्रम में आज सदन की सदस्यों की शपथ के कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर इस नाते से, कार्यकारी अध्यक्ष इस नाते से, श्री कादन साहब ने, जैसा प्रोफेसर कादन साहब ने अपनी भूमिका निभाई है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी सदस्यों से भी अपील करता हूँ कि अध्यक्ष की अपनी गरिमा बनाए रखने का दायित्व तो हमारा भी है कि हम सब किसी भी दल के लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के लोग, सभी एक प्रकार से सहयोग करेंगे ताकि सदन को ठीक रूप से चलाया जा सके।